महानगर के बेतिहाता स्थित जजेस कंपाउंड में स्थापित साई मंदिर में साई बाबा की चरण पादुका का आगमन शनिवार की शाम को किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में साई भक्तों ने चरण पादुका के दर्शन किए और साई बाबा का आशीर्वाद लिया, जिसके संबंध में साई संस्थान मंदिर के संयोजक नितिन कुमार राय ने बताया कि गोरखपुर की धरती पर शिरडी से चल करके बाबा की चरण पादुका आई है और बाबा ने अपने भक्तों को चरण पादुका दी थी। वहीं चरण पादुका नलिनकर जी के परिवार के एक सदस्य हैं, उसको लेकर आए हैं और साई मंदिर में बाबा जी के चरण पादुका रखी गई है, जिसका दर्शन सभी साई भक्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी भक्तों से यही अनुरोध किया है कि इस मंदिर में आवें और चरण पादुका का दर्शन कर साई बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और लाभ उठावें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए साई संस्थान मंदिर के संयोजक नितिन कुमार राय ने कहा, सेवा करते हैं और सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। जैसा कि हिंदू पद्धति के हिसाब से सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आइए गणेश जी के चरणों में चलते हैं। जी, मेरा नाम नितिन कुमार राय है और मैं साईं संस्थान का यहाँ का जो एक मेंबर है कि गोरखपुर की धरती पे शिरडी से चल करके बाबा की चरण पादुका आई है और बाबा ने अपने एक भक्त जो नाना साहब निमोड़कर जिनका नाम था उनको पादुका दी थी और वही पादुका निमोड़कर जी के परिवार के एक सज्जन जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज यहाँ इस मंदिर में बाबा की चरण पादुका रखी गई सारे भक्तों के दर्शन के लिए और
सभी भक्तों से यही अनुरोध था कि आवें और बाबा के चरण पादुका का दर्शन करके पुण्य लाभ उठावें, क्योंकि ऐसा अवसर गोरखपुर की धरती पर पहली बार आया है।